यमुनानगर के गांव बैंडी निवासी एक युवती ने बीते दिनों नहर में लगाई थी छलांग। गोताखोर की टीम ने नहर में चलाया सर्च अभियान। पश्चिमी यमुना नहर में एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में डूब गई थी। युवती का नाम कीर्ति बताया जा रहा है, जो कि यमुनानगर के गांव बैंडी की रहने वाली थी और वह नर्स का कोर्स भी कर रही थी। वह रोहतक कोचिंग लेने के लिए जाती थी, लेकिन 16 अगस्त की शाम को जैसे ही वह कोचिंग लेकर के अपने घर गांव बैंडी में जा रही थी, तो अचानक से वह इंद्रिय उतर गई और उतरने के बाद उसने अपने भाई को फोन किया। उसके बाद उसने पश्चिमी यमुना नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगा दी। उसके परिवार के लोग आज तक उसकी नहर में तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक भी कुछ भी पता नहीं लगा है। यमुनानगर के राजीव गोताखोर ने बुधवार को अपनी टीम के साथ इंद्री पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्च अभियान चलाया, लेकिन युवती का कुछ भी सुराग नहीं लग पाया। परिवार वाले बड़े ही परेशान हैं। वहीं पर 16 अगस्त को ही इंद्री थाने में परिवार वालों ने इसकी शिकायत दी, जहां पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मेरा नाम शैलेंद्र है जी, मैं बैंड गांव बैंडी से रहने वाला हूं। हमने यहां 16 तारीख से जैसे लड़का कोई था यहां बाइक पे था, उसने यहां से देखा कि लड़की कूद गई, उसने वहां जाके हल्ला मचाया। हल्ला मचाते हुए वो यहां रुका नहीं, तो वो आया यहां पे, लड़का है यहां से, उसने 112 में फोन किया, हमने मिले नहीं। हम तो कब की बात है जी, ये 16 तारीख 8 बजे। तो इसमें आपके पास भी उन्होंने इससे पहले फोन किया? नहीं, हमारे भतीजे के पास फोन किया कि उनके पकड़े पीछे, तो यहाँ आए थे, उन्होंने पूछताछ की, एम्बुलेंस बुलाई, भेंडी आ गई रदौर के पास। क्या घर में से पहले कोई तनाव चल रहा था? कोई तनाव नहीं था जी, लड़की सही सलामत आई थी, कुछ क्षेत्र की जॉब वो करती थी, मेडिकल कॉलेज में थी पीजी में। लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती थी? लड़की मेडिकल कॉलेज कर रही थी। हाँ जी, रोहतक हम इधर गए हो क्या? गोरगढ़ में काछवा सारागढ़ 4-5 दिन से पड़े हैं जी, रात दिन के। सर मेरा नाम राजीव है, मेरी यमुनानगर से टीम है। एक फैमिली का फोन आया था पहले, इनके ये हमारे जानकार है, इनके ना दो बच्चे ना नहर में डूब गए थे, इनके पड़ोसी हो गए ये, इन्होंने हमारे को स्पेशल यमुनानगर से बुलाया इस काम के लिए। अभी ये फैमिली का पहले हमने अगली तरफ सर्च मारा, आपको पता कितना खतरे वाला काम है, कोई पड़ तो सकता नहीं यहाँ पे, हम इतनी मुश्किल से यहाँ पड़े हैं, आपको क्या बताइए, मेरा हाथ भी लाल हो गया, इतना अंदर इतना प्रेशर है ना सर, हम बिल्कुल रुक नहीं सकते यहाँ पे। ये मेरा भाई अनिल है, ये मेरा चेला सोहेल है, हम 3 जने आए हैं यमुनानगर से, राजीव, हम ये राजीव गोताखोर यमुनानगर। ये लड़की कहाँ की रहने वाली? लड़की है रतौर के, बता रहे हैं। देखो ये तो हम कुछ कह नहीं सकते सर, हमें इन्होंने काम के लिए बुलाया, हम काम के लिए आए हैं। कब हुआ था लड़की? ये हो गया 6-7 दिन हो गए इस बात में। आज जो ढूंढने का प्रयास किया तो क्या हुआ? नहीं देखो, हम तो सवेरे यहाँ के 6 बजे गए हुए हैं, फैमिली ने हमें स्पेशल बुलाया यमुनानगर से, किसी भाई को भी हमारी लोड है, मेरा नंबर है 9896-9864-56, एक है 9666-9470-965। देखो आपने देखा यहाँ कितना तकड़ा रिश्ते वाला काम है, यहाँ कोई बढ़ नहीं सकता, हमने यहाँ भी बढ़े हैं, या हम तो ऐसे उस्ताद के चेले हैं, परमात्मा की जैसे माता रानी की जैसे, कोई हम डरते नहीं इस काम से, बेचारों ने पब्लिक ने हमारी इतनी मदद करी, बेचारों ने रस्ते खिंचवाए, कौन आजकल काम करवाता है।